खरगोन में सुदामा नगर के पीछे वैष्णवी कॉलोनी में एडॉप्ट ए स्कूल फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई फिल्म जूठन रिलीज करने से पहले प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसके निर्माता निर्देशक पुष्पेंद्र आल्बे ने मीडिया से चर्चा में बताया कि जीवन में पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है, इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया है। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग बड़वानी जिले में की गई है, जो शीघ्र ही रिलीज हो जाएगी। इस दौरान फिल्म में काम करने वाले कलाकारों ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को प्रेरित करने के लिए ये फिल्म कारगर साबित होगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। शिक्षा के ऊपर है, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट के लिए हाँ किया था। और इसमें मेरी भूमिका ये है कि मैं गांव के जो सरपंच हैं उनकी सारी हूँ। और बाद में फिर जब मुझे पता चलता है कि नए मास्टर जी आए हैं और वो पूरे गांव का जो भी मतलब सुधार कर रहे हैं, तो मैं इनका साथ देती हूँ इसमें। इसके पहले आप फिल्म किसी फिल्म में काम कर चुकी हैं? तो क्या क्या पृष्ठभूमि है आपकी एज एक्टिंग में? इस फिल्म का उद्देश्य है कि एजुकेशन पर सबका इक्वल राइट्स होना चाहिए, और सोसाइटी में जितने डिस्क्रिमिनेशंस हैं, अगर हम सबको इक्वल एजुकेशन मिलेगा और हमारे बच्चे अगर नियमित रूप से स्कूल आएंगे, पाठ पढ़ेंगे, तो उनके फ्यूचर ऑटोमेटिक अपने आप सुधर जाएगा। आज अगर बच्चे ठीक से पढ़ेंगे तो बड़े होकर उनको मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हर एक इलाके में, हर एक गाँव में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है कि वो शिक्षक कौन, क्योंकि शिक्षक आपके बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए आता है। तो आपके बच्चों के भविष्य ना कोई नेता मंत्री ना कोई अफसर कोई नहीं सुधारता है, क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य जो है कि टीचर सुधारता है। एक ऐसे दौर में जब मसाला फिल्में बनने का ये दौर है, हमने कोशिश की है कि ग्रामीण भारत की शिक्षा के ऊपर आधारित एक फिल्म बनाई जाए और एक ईमानदार प्रयास किया जाए, जिससे लोगों में जागरूकता आए कि आप दुनिया भर की बातें करते हैं लेकिन आपको जो सबसे जरूरी बात करना चाहिए वो है आपके बच्चों की शिक्षा। बस इसी को कोशिश लेके ये फिल्म बनाई गई। कहाँ अभी शूटिंग भी चली थी बड़वानी में? शूटिंग हमने वहाँ पर 25 जुलाई से शूटिंग शुरू की थी और कल रात को 1 बजे के आसपास 28-29 दिन के बाद हमारी फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट हुई है। और इसमें देवेश जी ने मुख्य भूमिका निभाई, एक शिक्षक की भूमिका में है। रिमझिम मैम उनके अपोजिट फीमेल लीड में हैं, और भी बॉलीवुड के 4 से 5 अच्छे अच्छे जो फिल्मों में जो काम कर चुके हैं उन्होंने अच्छी अच्छी भूमिकाएं निभाई। और जो हमने सोचा था, जो सोच के निकले थे, उससे एक टीम की वजह से, अच्छी टीम की वजह से उससे 200% अच्छी फिल्म निकल के आई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।